दर्शकों, शिवरात्रि पर्व की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व आपकी साधना में सहायक हो। और जो शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है, वह महत्व भी यही है कि साधक अपनी साधनाओं को संपूर्ण कर प्रकृति के साथ तादम्य को स्थापित कर सके। पहला प्रश्न, शिवरात्रि क्या है? मित्रों, शिवरात्रि के लिए प्रश्न उठता है, शिवरात्रि क्या है? शास्त्रोक्त वेदोक्त यदि हम चर्चा करते हैं और इनका अध्ययन करते हैं और साधना पक्ष को हम देखते हैं, तो शिवरात्रि का मूल अर्थ जो वेदोक्त है, वह प्रकृति और पुरुष का मिलन। क्योंकि इसकी उत्पत्ति में ही सबसे पहले कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र को यदि हम देखते हैं, उसमें भी कहा गया है प्रकृति और पुरुष के मिलन के बाद महत्त्व की उत्पत्ति होती है, फिर अहंकार की उत्पत्ति होती है, फिर तीन तत्व की उत्पत्ति होती है। ऐसे करते हुए 26 चरणों में वापस हम भगवान की सत्ता तक पहुँच जाते हैं। तो यह प्रकृति और पुरुष का जो मिलन होता है, यह मिलन ही शिवरात्रि है। आज के दिन पृथ्वी पर विशेष प्रकार की घटनाएं घटती हैं। आपने सुना होगा चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इन नाड़ियों के बारे में आपने सुना होगा। आज की रात्रि वही रात्रि है, क्योंकि शिवरात्रि के विशेष महत्व में दो प्रकार की ऊर्जाएं काम करती हैं। एक ऊर्जा है ऊर्ध्वगामी, दूसरी ऊर्जा है अधोगामी। जो ऊर्ध्वगामी ऊर्जा है वह पुरुष का संबंध है, अधोगामी ऊर्जा है उसका स्त्री संबंध है, जो पुरुष और प्रकृति के मिलन को दर्शाती है। और यही शिवलिंग का मूल स्वरूप भी है। शिवलिंग के मूल स्वरूप को हम सेक्स ऑर्गन से नहीं देखें, ये बहुत गलत व्यक्ति की भावना होती है। लिंगिक का मतलब है पुरुष महिला, ये जो विभिन्न डिफरेंस हैं इसी के लिए हैं। तो जब प्रकृति और पुरुष का मिलना शुरू होता है तब महत्व बनता है। तो यही शिवरात्रि का आज विशेष महत्व है। आपके शरीर के अंदर जिस प्रकार से अर्धनारेश्वर स्वरूप को जोड़ा जाता है, वह स्वरूप आज दिखाई देता है। के कैमरे से लोग आज रिसर्च भी करते हैं। इस त्योहारों का विशेष महत्व भी होता है। फाल्गुन का यह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से चतुर्दशी तक इस त्यौहार को इसमें मनाया जाता है। भगवान की शादी भी इसमें दर्शाई जाती है कि भगवान शिव की शादी हुई, तो इसलिए इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और शिवरात्रि का जो विशेष महत्व है, रात्रि के समय में ही है। रात्रि से ही एक प्रकृति की उत्पत्ति हुई, प्रकृति में आनंद संगीत पंचतत्व सब कुछ फिर आज से बनना शुरू हुआ, इसलिए शिवरात्रि का विशेष महत्व इसमें माना जाता है। दूसरा, इस महत्व को भी विशेष रूप से माना गया है। शिवरात्रि का महत्व क्या है? एक तो महत्व में सबसे पहला यही है कि प्रकृति पुरुष का मिलन है। दूसरा, इस महत्व में जब हम इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर हम जब जन्म लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी भगवान से, किसी न किसी आस्था से हम अवश्य जुड़ते हैं। परंतु किसी भी धर्म को ले लें, शिव संप्रदाय की जो आस्था है, हर धर्म उस संप्रदाय में, उस संप्रदाय के रीति रिवाजों में विश्वास करता है। भगवान शिव की आराधना की जाती है, उनकी परिक्रमा की जाती है, उन पर भभूत लगाई जाती है, इस प्रकार से भगवान शिव जी की आराधना होती है। और यह आराधना हम भगवान शिव की नहीं करते हैं, अपितु शिव के रूप में हम स्वयं अपने आप को पुष्ट करते हैं। तो विशेष जो महत्व है आज की रात्रि का, उसमें जब हम भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, तो उसमें हम अपने आप को पुष्ट करते हैं, अपने रोगों से मुक्त करते हैं, अपने दोषों से मुक्त करते हैं, धन धान्य की प्राप्ति करते हैं। साथ ही जब किसी व्यक्ति के अंदर शक्तियाँ इकट्ठी होना शुरू होती हैं, तो सभी प्रकार की संपदा उसके आसपास आ जाती है। और इस शक्ति के लिए ही हम भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, शिवरात्रि को मनाते हैं, और यही इसमें विशेष महत्व है। अब प्रश्न उठता है, शिवरात्रि कैसे मनाएं? शिवरात्रि को मनाने के लिए एक तो सामान्य ही बहुत अधिक इसमें विधान नहीं होते हैं कि भगवान शिव जी कहा भी जाता है सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भी हैं। इस दिन उपवास किया जाता है। उपवास करने का विशेष जो महत्व होता है, वह जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, जब भगवत नाम का उच्चारण करते हैं, हमारा शरीर खाली होना चाहिए। जितना शरीर खाली होता है, उतना ही हम गुरुत्वाकर्षण के टच में होते हैं और उतना ही हमारा ओरा बाहर की तरफ जाता है। तो उपवास का विशेष रूप से यही महत्व होता है। इसमें पहले आप उपवास करें, भगवान शिव जी का इसमें अभिषेक करें। पंचामृत अभिषेक का आज विशेष महत्व होता है, उसमें इनको अभिषेक किया जाता है। वैसे ही मैं व्हाट्सएप पर पढ़ रहा था, ये बड़ी विडम्बना है कि नाना प्रकार की चीज़ों से अभिषेक करने का बतलाया हुआ है, शिवरात्रि का उससे कोई संबंध नहीं है। कई बोलते हैं गन्ने के रस से कराएं, कई बोलते हैं गुड़ से कराएं, कई बोलते हैं शहद से कराएं। तो इस प्रकार से इसमें आज इन आडंबरों में ना पड़ें, आज सिर्फ पंचामृत से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। गोपी चंदन का भगवान शिव जी को तिलक कराएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यही एक शिव जी की विधि
पूजन की होती है, और इसी के अनुरूप हम आचरण करना शुरू करें, भगवान के नामों का हम जाप करें। जिस भी देवी देवता की हम आराधना करते हैं, उस देवी देवता की हम आराधना शिव जी के अलावा कर सकते हैं, जो हमें पुष्टि प्रदान करती है। कुछ प्रश्न हैं, भगवान शिव जी पर आज कौन से मंत्र पढ़े जाएं? भगवान शिव जी का सर्वोत्तम जो मंत्र होता है वह पंचाक्षर मंत्र ही होता है, ओम नमः शिवाय। हर भगवान के मंत्र के आगे नमः लास्ट में लिखा होता है, लेकिन भगवान शिव जी का मंत्र है जहाँ ओम नमः शिवाय, इस पंचाक्षर मंत्र का जाप किया जाता है। यही मंत्र ब्रह्मांड को सिद्ध करता है, और यथ पिंडे तत्व ब्रह्मांडे, हम खुद उस पिंड से बने हुए हैं। जब उस पिंड में चैतन्यता, उस पिंड में शक्ति का जब अभाव होता है तो ये अमृत प्राय हो जाता है, लेकिन जब इन्हीं चीज़ों की प्रवेश इस शरीर में होता है तो वापस जीवित हो जाता है। शक्ति का संचरण सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से इस प्रकार की शक्ति शरीर में जागृत रहती है, और हम लंबे समय तक स्वस्थ मस्त दीर्घायु आनंददायक बने रहते हैं। इसके साथ ही एक मंत्र स्वास्थ्य को लेकर भी एक आता है, महामृत्युंजय का स्वास्थ्य मंत्र। उस मंत्र के माध्यम से हम भगवान शिव की कृपा पात्र कर कई प्रकार के रोगों से मुक्त होते हैं, क्योंकि कहा जाता है तीन प्रकार के रोग होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक रोग वह हैं जब हम आसपास के माहौल में रहते हैं, हम सीधे नहीं बैठते हैं, पीठ दर्द होने लग जाता है, अधिक सोचते हैं, सर दर्द होने लग जाता है, तो इस प्रकार के दैहिक रोग हैं। अधिक गलत शरीर का उपयोग करने से जो रोग होते हैं दैहिक रोग हैं। भौतिक रोग हैं आकस्मिक एक्सीडेंट हो जाना, महामारी का फैल जाना, आपदाओं का आ जाना, यह भौतिक रोग हैं। तो भौतिक रोग चिकित्सक से बहुत जल्दी ठीक होते हैं। दैहिक रोग अपने आप को मजबूत करने से, योग ध्यान प्राणायाम से ठीक होते हैं, परंतु दैविक जो रोग होते हैं, दैविक रोगों में निश्चित रूप से महामृत्युंजय मंत्र का महत्व है, और वह सामान्य दवाओं से भी ठीक नहीं होते हैं, चिकित्सक को भी रोग पकड़ में नहीं आता, और आप भी अस्वस्थ रहते हैं। इस प्रकार के जो रोग हैं ये दैविक रोगों में आते हैं, और इन दैविक रोगों को दूर करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। तो आज के दिन महामृत्युंजय मंत्र जाप करने से वह सिद्ध होता है, और हमें स्वास्थ्य दीर्घायु होने का आशीर्वाद भगवान शिव जी से प्राप्त होता है। अब प्रश्न उठता है, स्वास्थ्य लाभ, मानसिक दोष, कष्ट, इनके निवारण के लिए आज के दिन क्या किया जाए? स्वास्थ्य लाभ के लिए तो भगवान शिव जी का पंचामृत अभिषेक करते हैं। अभिषेक नहीं भी करते हैं तो किसी भी मंदिर में जाके, क्योंकि भगवान शिव जी के जितने भी मंदिर हैं, जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, ये सब साधना के क्षेत्र हैं। आज हम देखते हैं भगवान शिव जी के मंदिर में व्यक्ति जाते हैं, तेज तेज आवाज करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ये भगवान शिव का सूत्र नहीं है। शिव जी के मंदिर, भगवान शिव के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, ऐसे स्थानों पर बनाए गए हैं जहाँ प्रकृति का विशेष मिलन होता है, और यही कारण है कि भूकंप आदि का प्रभाव भी उस स्थान पर नहीं बन पाता है। वहाँ बैठकर हमें साधना करनी चाहिए, वहाँ बैठकर हमें ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से यदि हम भगवान शिव जी के मंदिर में पहुँचते हैं तो लाभ मिलता है। इसके विपरीत लोग भगवान के जाते हैं, शिवलिंग को हाथ लगाते हैं, नाना प्रकार के फूल फल कुछ भी चढ़ाकर वहाँ गंदगी टाइप ही इकट्ठी करते हैं, और उससे कोई फ़ायदा बहुत अधिक नहीं होता है। तो जब भी आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाएँ, वहाँ बैठें, शांति के साथ बैठें, महामृत्युंजय का जाप करें, इससे स्वास्थ्य भी मिलता है, और आपके शरीर के समस्त चक्र भी जागृत होते हैं, और समस्त चक्र जागृत करने में भगवान शिव जी का पंचाक्षर मंत्र लाभकारी सिद्ध होता है। कई प्रश्न ऐसे भी आते हैं, क्या शिवरात्रि पर उपवास जरूरी है किया जाए, या और कैसे मनाई जाए? इसके लिए भी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हम जब साधना करते हैं तो शरीर में इंटेस्टाइन का खाना कम होना जरूरी है। यदि आप उपवास की चीज़ें खाते हैं, साबूदाना खाते हैं, तले हुए पदार्थ खाते हैं, तो आप उपवास नहीं कर रहे हैं। शिवरात्रि का इस चीज़ से कोई महत्व नहीं है। आज सुपाच्य भोजन का महत्व है। चाहे आप भोजन करें, कम करें, लेकिन चार रोटी खाते हैं आज दो खाएं, कम रखते हुए आज अपने शरीर को कम से कम खाली रखें, भगवान का जाप रखें, तो भी आपका उपवास फलित होगा। और जो व्यक्ति उपवास कर रहे हैं उन्हें भी गरिष्ठ भोजन खाने से आज बचना चाहिए, सामान्य सुपाच्य भोजन करके उपवास करें, क्योंकि यह सारी घटना रात्रि को 12 बजे घटित होती है। तो हम इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि शिव रात्रि है, रात्रि में की गई साधना, रात्रि में प्रकृति का जो मिलन होता है, हमारी चंद्र और सूर्य नाड़ी का मिलन होकर सुषुम्ना जब जागृत होती है तो ब्रह्मरंध्र हमारा जागृत रहता है। ब्रह्मरंध्र के जागरण के लिए
हमारे साधु संन्यानियों ने सदियों से उपवास किए हैं, सदियों तक उपवास किए हैं, लोग निराहार रहकर कुछ जल पीकर कुछ लौंग खाकर इस प्रकार से इसमें साधनाएं करते आए हैं। तो साधना में उपवास भले ही आप ना करें परंतु अधिक भोजन भी आज ना करें, गरिष्ठ भोजन से बचें, इस प्रकार साधना लाभकारी होती है। एक प्रश्न और बहुत से लोगों ने पूछा भी है और आया भी है, काल सर्प दोष का आज निवारण कैसे होता है। काल सर्प दोष 12 प्रकार के हमारे ज्योतिष शास्त्र में हैं और उनका निवारण भगवान शिव जी के माध्यम से ही होता है। और शिवरात्रि के दिन चूंकि हमारा शरीर पूर्ण रूप से तप्त होता है, समस्त चक्र हमारे जागृत होते हैं, ऐसे समय में भगवान शिव जी की आराधना करना और भगवान शिव जी के ऊपर गोपी चंदन का तिलक लगाना, चांदी के नाग का दान करना, यह बहुत शुभ होता है। क्योंकि काल सर्प दोष का मतलब कोई गंभीर वो नहीं है, ये संबंध है पूर्व जन्म के कर्मों में, हमने किसी को ठगा है, किसी की भूमि ठगी है, किसी के लिए हमने गलत बद्दुआएँ दी हों, किसी व्यक्ति की हमने गलत जमानत दी हो, या किसी व्यक्ति की हमने गलत रूप से बोलकर बतलाया हो कि हम कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, तो उस प्रकार से जो भी हम कुछ गलत करते हैं उसका फल आने वाले समय में काल सर्प दोष पितृदोष के रूप में प्राप्त होता है। क्योंकि गलत गवाही देना भी उतना ही बड़ा पाप होता है जितना कि हम किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जब गंभीर दोष होते हैं तो ये 12 भागों में बांटे गए हैं और उसमें 12 प्रकार के दोष होते हैं, लेकिन इन सब की निवृत्ति क्षमा ही होती है। भगवान शिव जी का पंचामृत अभिषेक करें, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, आज शिवरात्रि को धन धान्य से परिपूर्ण होकर दान के साथ पुण्य के साथ इसको मनाएं, भगवान शिव से हम क्षमा प्रार्थना करें, पूर्व जन्म कृत दोष को दूर करने के लिए क्षमापन स्त्रोत का भगवान शिव जी के सामने पाठ करें, ऐसा करने से काल सर्प दोष भी दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम शिवरात्रि को मनाएंगे, निश्चित रूप से शिवरात्रि हमारे लिए मंगलमय होगी, शिवरात्रि का महत्व भी सार्थक होगा। जय भोले, ओम नमः शिवाय।